नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि आजकल खरीदारी का माहौल है, ऑनलाइन पर भी बहुत सारी छूट आपको दी जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि भैया 20% की छूट है तो हमें कितना रुपया कम देना होगा या फिर इसकी ओरिजिनल कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने आज इसी तरह का एक सवाल लिया है, भाई 9999 की आपने कोई वस्तु खरीदी है, उस पर 20% की छूट है, तो आपको वस्तु जो है वो कितने रुपए में मिलेगी। ठीक है भाई, 999 उसका मूल्य है, 20% की छूट दी गई है, मतलब 20% हमें कम देना है, तो हमें कुल कितना पैसा देना है ये हम निकालने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे और आज मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला जो तरीका है उस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो वस्तु है उसका मूल्य हमें दिया गया है कितना, वस्तु का जो मूल्य है वो हमें दिया गया है कितना, 9999। ठीक है, ये इसकी कितनी कीमत है, 100% कीमत है, मतलब कि 100% कीमत है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर 20% की छूट दी गई है, मतलब हमें 20% कम देना होगा। ठीक है, तो हम 100 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, 20% को, तो यहां पर कितना बचेगा, 80% बचेगा। ठीक है, मतलब अब हमें पता चल गया कि भाई हमें यहां पर 100% कीमत ना देकर 80% कीमत ही देना होगी, मतलब कि 80% कीमत ही अब हमें देना होगी। तो हम इसका 80% निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वस्तु की रियल कीमत क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो 9999 है इसका हम क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे, तो यहां पर जो है 80% हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, कि भैया 9999 का 80% हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु की हमें कितनी कीमत देना है। ठीक, तो यहां पर हमने लिख लिया। अब यहां से जैसे हम परसेंटेज को हटाएंगे तो यहां पर हमें इसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 0 से 0 कट जाएगी और 2 से आप काटिए, 2 से इसको काटते नहीं हम, 10 से डायरेक्टली भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 8 का गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, तो 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको यहां से साफ कर देते हैं, तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर 8 का गुणा 9 में करेंगे, 9 8 72, तो 72 की आ जाएगी 2, हासिल आ जाएगा 7। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 8 नाम के 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए, तो यहां पर 7 और 2 9 और ये हो गया 79, तो यहां पर आ जाएगा 9 और फिर से हमारी हासिल क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 9 का गुणा 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे, देखिए 7 और 2 9 79 हो जाएंगे, तो 79 की 9 और हासिल हमारी फिर से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 8 नाम के 72, तो 72 को आप फिर से आप इसमें जोड़िए, 7 और 2 हो जाएंगे 9 और ये 79, तो यहां पर डायरेक्टली 79 हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया है, यहां पर 79992 आ गया है, लेकिन इसके बटे में अभी क्या है, 10 है, तो यहां पर हमने लिख दिया 10। ठीक है, अब 10 से हम भाग लगाएंगे तो यहां से एक अंक छोड़ के यहां पर दशमलव आ जाएगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई 7999.2, मतलब कि अब हमें पता चल गया कि भाई हमें इतना रुपया देना होगा। ठीक है, मतलब कि 9999 रुपया ना देकर हमें 7999.2 पैसा हमें देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये है हमारा पहला तरीका। एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए हमारी जो है इसकी कीमत कितनी आई है, मैं यहां पर लिख देता हूं 7999.2, ये हमारी कीमत निकल कर आई है। अब दूसरे तरीके से भी देखिए यही कीमत हमारी निकल कर आएगी। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं और दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं और दूसरे तरीके से अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्किप कहीं पर भी मत कीजिए। ठीक, तो यहां पर देखिए 9999 की वस्तु पर 20% की छूट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस पर हमें कितने की छूट है, 9999 पर 20% की छूट है, मतलब इसका 20% हमें कम देना है। ठीक है, तो इसका हम 20% निकाल लेते हैं, तो ये हमने 20% निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से जैसे ही हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसका गुणा करिए, क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18, तो 18 की 8 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा 1, फिर से देखिए 9 × 2 = 18 और 1 = 19, तो 19 की आ जाएगी 9, फिर से हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 2 नाम के 18 और 1 = 19, तो यहां पर 19 की 9, फिर से हासिल 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर 9 × 2 = 18 और 1 = 19। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, यहां पर आ गया 19998 और 10 से हमें इसमें क्या करना है, भाग लगाना है, तो 10 से हम जैसे ही भाग लगाएंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, यानी कि यहां पर 199.2
8, ये हमारा यहां पर 20% निकल के आ गया, मतलब इसका 20% ये आ गया, मतलब हमें इतना रुपया क्या करना है, कम देना है, ठीक है, इसका 20% हमें कम देना है, 20% की छूट है, मतलब इतना रुपया हमें कम देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कितने रुपया कम देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये है हमारी पूरी कीमत, ठीक है, 9,999, ठीक है। अब इसमें से हमें इतना रुपया नहीं देना है, मतलब इतना रुपया कम देना है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1,999.8, चलिए इसको घटाइए, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा के यहाँ पर जीरो कर देते हैं। अब जीरो में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 8 बचे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पर फिर 18 हुए, तो 18 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से भी उधार लिया था तो यहाँ पर भी 18 हो गए, तो 18 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ से उधार लिया था तो यहाँ पर कितने बचे, 8, 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेंगे, 7। तो यहाँ पर देखिए हमारा यही जो है, पहले भी हमारी यही कीमत आई थी पहले तरीके से, और इस तरीके से भी यही कीमत आई है, मतलब दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से हम डिस्काउंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।